इंडिया में मिलने वाला मशहूर कुल्लड़ पिज्जा अब पाकिस्तान में भी दस्तयाब होगा। फैसलाबाद में मौजूद मोटू पतलू फूड पॉइंट ने मिट्टी के ग्लास में बनने वाला कुल्लड़ पिज्जा मुतारिफ करवा दिया, जिसे कोयलों की भट्टी में तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में इसकी क्या कीमत है, जानिए इस वीडियो में। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इंडिया से इंस्पायर होकर आपने कुल्लड़ पिज्जा निकाला। जी बिल्कुल, वहीं से कुछ वीडियो देखी थी और कुछ दोस्त बैठे हुए थे और हमने सोचा कि इसको भी लॉन्च किया जाए। उनको देखते हुए हमने किया, लेकिन काफ़ी उनसे बेहतर अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें मिल रहा है और टेस्ट भी हमें काफ़ी अच्छा है। आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। अच्छा, तो इसकी इंग्रेडिएंट्स में और जो इंडिया के इंग्रेडिएंट्स में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क है? हाँ जी, फ़र्क ये है कि वो लोग ना पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और हमारे मुल्क में पनीर चलता नहीं है। हमने इसमें चिकन ऐड किया हुआ है, बारबेक्यू चिकन और बारबेक्यू हमने वो बिहारी कबाब इसमें ऐड किया हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि इसके पीछे आपने दोस्तों ने मिलके आपने मशवरा किया और निकाल लिया है, तो कितना कामयाब हुआ है ये? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारी सोच से ज़्यादा इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और दो दोस्त बैठे हुए थे, बस अचानक से एक प्रोग्राम बना और वो प्रोग्राम हिट हो गया। इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमारी सोच से ज़्यादा दे रहा है, इसमें से रिजक भी दे रहा है और काम भी हिट जा रहा है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या चीज़ें इसमें डालते हैं आप एक ग्लास के अंदर? इसमें भैया बटर भी है, बटर में इसको हम फ्राई करते हैं, ओनियन और कैप्सिकम को, जैलोपिनो, ऑलिव्स वगैरह हैं और कॉर्न है, और इसमें हम चीज़ ऐड कर रहे हैं, बारबेक्यू टिक्का है, बिहारी कबाब है, मशरूम है इसके अंदर और ब्रेड क्रम्स है जो इसको मिलके इसको इसकी मेकिंग बनती है। और 5-6 किस्म की सॉसेज हैं जो हमने खुद इंग्रेडिएंट्स की हुई हैं, बाज़ार की नहीं है, होम मेड है हमारी। इंशाल्लाह ताला आप खाएंगे तो इंशाल्लाह, लोग भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं, कुछ वीडियो बनी ही थी, कमेंट्स वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं, लोगों का भी शुक्रिया है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो ग्लास के अंदर बनाने की क्या खास वजह है और इसको कोयलों के ऊपर रखते हैं? जी जी, इनको कोयलों के भट्टी पर रखते हैं और स्मोकिंग फ्लेवर देने की खातिर हमने किया है कि कोयले के स्मोकिंग फ्लेवर आए इस पर। स्मोकिंग फ्लेवर आएगा तो लोग थोड़ा डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा। ओवन बेकिंग में तो वो एक सिंपल सा टेस्ट होता है ना, इसको टेस्ट चेंज करने के लिए हमने किया था कि कोयले की जो एक स्मोकिंग टेस्ट होता है बारबेक्यू का, वो आए। और ग्लास के अंदर इसकी क्या खास वजह है? ग्लास की इसकी वजह है कि ये मेकिंग और किसी जगह में होनी नहीं थी मिट्टी के बर्तन के अलावा, ज़ाहिर बात मेल्ट हो जाना था किसी में भी करते, तो इसीलिए इसमें किया है। और इसको हमने डिस्पोजल के तौर पर इस्तेमाल किया है, टेक वे पे भी और डिलीवरी पे भी, जो भी आएगा वो ग्लास बेशक साथ ले जाए, ये वन मरतबा यूजिंग के लिए है। अच्छा, यानी ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा? नहीं, ये इस्तेमाल भी दोबारा नहीं होगा। तो एक दिन में आपके कितने ये सेल हो जाते हैं? शुक्र अल्लाह का 100 के 150 के करीब करीब है। तो ये बताएं इसकी प्राइस क्या है? 300 हमने निकाली है इसकी। 300, और इसके अंदर आपके डिफरेंट फ्लेवर्स भी हैं या एक ही फ्लेवर चल? अभी तो एक ही लॉन्च किया है, इंशाल्लाह ताला कोशिश है इसमें एक दो फ्लेवर और ऐड करेंगे अपने मुल्क के हिसाब से, पाकिस्तान के जो भाई है ना उनके जो टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इनमें से एक दो टेस्ट और निकालने के अभी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जो फैसलाबाद की आवाम खा के जा रही है वो कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, और ये बताएं कि उनको पता है कि ये इंडिया से इंस्पायर्ड होके बनाया गया? जी, कई लोग सवाल करते हैं इस बारे में कि ये आप लोगों ने कैसे आपके माइंड में सोच आई, फिर बता भी देते हैं उनको ये ऐसे ऐसे करके हमने वीडियो देखी थी उसमें से देखा है, तो फिर वो बन रहा है इंशाल्लाह ताला आपके सामने ही है। वो लोगों को एक्सपेंसिव नहीं लगता है? ग्लास के अंदर कितनी क्वांटिटी आ जाती है इसकी? ये अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो ये अगर बाज़ार से मीडियम पिज़्ज़ा लें तो मीडियम पिज़्ज़े की इसकी क्वांटिटी है इसके ऊपर, इसके ऊपर जो मेकिंग हुई हुई है वो मीडियम पिज़्ज़े की है। मजीद इसके कौन कौन से फ्लेवर आने के इम्कान? इसमें हमें ना मलाई बोटी निकालेंगे। इसमें क्या होगा? उसमें जो चिकन है तकरीबन सारा मलाई बोटी और क्रीमी टेस्ट होगा। तो उसकी प्राइस कितनी होगी? देखिए, वो तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से इसके करीब करीब ही होगी, शायद 50 के ऊपर चले जाए, इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि हम लोगों के बजट में काम कर रहे हैं, महंगाई बहुत है हमारे मुल्क में, इस वजह से थोड़ा बजट में काम आ जाए सबके। तो ये मैं दुकान का नाम का पूछना चाहूँगा, मोटू पतलू, ये भी उनके कार्टून से इंस्पायर्ड हैं आप? नहीं, कार्टून से भी नहीं है, हमने ये बच्चों के लिए रखा था नाम, और जो दोस्त की बातें कर रहे हैं ना वो दोस्त हमारा एक मोटा है, उसके उसको एक छेड़ने के तौर के भी रखा था, एक मजाक के तौर के भी रखा था, और ट्रिब्यूट पेश करने के, लेकिन हमारा ये कोशिश यही थी कि बच्चों के मुंह पर नाम चढ़ जाए, तो बच्चे माँ बाप को बोले, पेरेंट्स को बोले कि हमने मोटू पतलू पे जाना है, इसीलिए वो इसको इंस्पायर किया है, और बाकी तो इसमें कोई चीज़ नहीं थी।
वो भाई भी बताया ना, वो काफी हेल्दी है, इस वजह से उसको किया था। इस दुकान की लोकेशन क्या है? इसकी दुकान की लोकेशन है नाड़वाला चौक गुलस्तान सैलमा रोड, मौजूदा मिलाद रोड कहलाता है, नज सादक नानशाह मोटू पतलू मलवारी पराठा रोड। और दुकान की क्या औकात कार है आपके? ये हमारा 4 बजे शुरू होता है, रात 2:30 बजे तक। ये जो कुल्लड़ पिज्जा है इसकी मेकिंग में कितना टाइम लगता है आपको? ये मेकिंग में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं और बेक होने में 8 मिनट लगते हैं। तो आप इसकी तैयारी घर से करके आते हैं या यहीं पे आके करते हैं सारा सामान वगैरह? नहीं, सब यहीं पे फ्रेश हो तैयार होता है और सॉसेज सिर्फ घर में बनके आते हैं। तो आपने इसका नाम कुल्लड़ ही क्यों रखा, बदल भी सकते थे? कुल्लड़ असल में ना मिट्टी के बर्तन को बोला जाता है, तो उसको इसलिए उसका नाम हमने ये कुल्लड़ पिज्जा रखा है। सर ये बताएं कहाँ से आए हैं? मैं जिना कॉलोनी से। अच्छा, तो आपने ये टेस्ट किया है, कैसा लगा आप? टेस्ट अच्छा है इनका, तो हम भी इंडिया में था ये, हमें वीडियोस देखते थे तो हम चाहते थे कि हमारे भी इधर आए, तो इन्होंने बनाया है। टेस्ट भी ठीक है और क्वांटिटी भी तकरीबन ठीक है, प्राइस तो फिर होनी थी। ये तो एक्सपेंसिव नहीं लगा? नहीं, ठीक ही है उस हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ नई है तो थोड़ी बनती भी थी, तो ठीक है प्राइस भी। चाहिए थे आप कुल्लड़ पिज़्ज़ा इंडिया वाला यहाँ पे भी अब अवेलेबल है, तो आपको कैसा लगा टेस्ट करके? भाई इन्होंने 2 मंथ हो गए हैं शुरू किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है, अल्लाह इनको कामयाब करे। तो जो जो भाई इधर नहीं आए ना, तो मेरे लिए लाजमी भाई इधर चक्कर लगाए इनके पास।